दादे करना जदों वेखना तस्वीर तेरी सौ तेरे सोने मुखड़े दे तू बन गई तकदीर मेरी तू रंग भी तू रूप भी तथों जल गए अख चुरा तैनु देख के तौबा टूट जांदे तेरे नैना दे विच मस्तियां ने मैनु होर किसे दी लोड़ जावे रब मिल जावे तुम्हें पुरुष तेरा मिलाना तेरी तस्वीर बन जाती है मेरे ख्याल जिन्ने भी खूबसूरत रंग सन मैं तेरी तस्वीर भर दिते ने काश उस मुसव्विर ने भी तेरी तस्वीर बनाई होगी जेड़ा तस्वीर बनाने तो बाद उसे जान भी पा देता है मेरे भी जान भी है मैं तेरे सहन में एक तस्वीर का रूप बन गई ताई आईया कि मैं एक हकीकत हाँ मैं मुमकिन हाँ जे ना मुमकिन होंगी तो तेरे सहन विच कभी ना आती तो फिर मैं क्यों तड़पा रही हकीकत पढ़ के मेरे सामने क्यों नहीं आती मैं आऊंगी जरूर आऊंगी तू इंतजार ते कर तब तक इंतजार करा जब तक मैं ना आऊं पर तू एक गल ते दस तेनू मेरे नाल किन्ना प्यार है किन्ना प्यार है तेरे पीछे ही रे दीवाने 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 बन गया तेरे पीछे ही रे दीवाने 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 बन गया किसे नून तक आते तैनू याद रखिया किसे नून तक आते तैनू याद रखिया और सारे जग ले बेगाने बन गएगा तेरे पीछे ही रे दीवाने 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 बन गया तेरे पीछे ही रे जय हासे तेरे तोर मन मोनी फुला जय हासे तेरे तोर मन मोनी सोनिए ने तू ते सादे कल तू सोनी सोनिए ने तू ते सादे सोनिए ने तू ते सादे कल तू सोनी बन तेरी दीदी
सदरा देद नहीं बनी तेरी दीद नहीं सदरा देद नहीं खुशियाद नाल मस्ताने बन गया तेरे पीछे रे दीवाने 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 बन गया तेरे पीछे रे सानू हूं जावे ना तू दूर नी मिले जे सानू हूं जावे ना तू दूर नी पल भी जुदाई तेरी नहीं मंजूर नी पल भी जुदाई तेरी पल भी जुदाई तेरी नहीं मंजूर नी साड़ी मुलाकात नी रवे दिन रात नी साड़ी मुलाकात नी रवे दिन रात नी शमाए तू असी परवाने बन गया तेरे पीछे रे दीवाने 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 बन गया तेरे पीछे रे मेल जरा नैन कानू लाई तू हैरानी जरा नैन कानू लाई तू हैरानी रब दिसो तू ते मेरे काबा दी रानी रब दिसो तू ते मेरे रब दिसो तू ते मेरे काबा दी रानी तेरा मेरा प्यार नी रहना यादगार नी तेरा मेरा प्यार नी राना यादगार नी दोवे असी इश्क दे अफसाने बन गए ना तेरे पीछे रे दीवाने 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 बन गया तुसे नून तक आते तैनू याद रखिया तुसे नून तक आते तैनू याद रखिया तोर सार जग ले बेगाने बन गएगा तेरे पीछे ही रे दीवाने 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 बन गया तू अच पढ़ के मेरी नजरा ते सामने आ जानी है ते झूठ पढ़ के नजरा तू ओझल हो जानी है और तो ही दस तू सच्ची है कि मैं झूठा हुआ पर तू ही सच्ची है मैं ही दीवाना वा जेड़ा ख्याल नु हकीकत समझ के इश्क कर बैठा वा लड़की ठहर जा लड़की तेरी झलक देख के मनु इंज लगता है जिवें तू ही मेरे ख्वाबा दी रानी है मेरा दुपट्टा छड़ के पाओ जब तक तू एक बार फिर मेरे वाल नहीं देखेगी मैं दुपट्टा नहीं छटा जे जे मैं ना देखा फिर तो फिर मैं मर जावांगा हाँ तू पागल है ना हाँ मैं पागल हाँ तदी तेरी तस्वीर नाल गल्लां करता रहा सोनिए ने तू ते सादे कल तू सोनी सोनिए ने तू ते सादे मेरी तस्वीर तू मेरी बनाई तस्वीर है कि खुदा की तखलीक वही नशे चुपी हुई अखा वही रस भरे होठ
अगर तू ख्वाब नहीं हकीकत है तो मैं कितना खुश नसीब हूं कि आज मेरा ख्वाब हकीकत बन के मेरे सामने आ गया। तू भी तो कुछ बोल, और बोल दे क्यों नहीं, तू मेरे सीने नलक से मनु कहते जिसका मैं तेरा दीवाना हूं, तू ही मेरी दीवानी है। तैन चिड़क के मेरे गए लड़की ने सीने नला दी, तू मेरा लगता कि तेरा मेरा रिश्ता की है। जरा एक पुत्र रू नल होता है फूल का खुशबू होता है। तूने मैं पहले किधरे देखे? हाँ कितने बनाई क्यों है? ये तस्वीर मैं नहीं बनाई, अपने आप बन गई है। आप किस तरह बन गई? तू बनाई है, जुर्म तू किया है, हूं मैं तेनू ए सजा भी दी। मैं अपने प्यो नु बुलानी हूं, ला के निबड़ेगा। मेरी गल तो सुन, वही सारी गल मेरा प्यो आके सुनेगा। बाबू ने पाई हुई है। बाबू ने की बसूड़ी पानी? तस्वीर बनाई है। तस्वीर बनाई तो बना दे तू, तेरा की लिया? बाबा समझता क्यों नहीं तू? तू भी समझा, उन्हें मेरी तस्वीर बनाई है। सोहना ना है तस्वीर बनाना, मेरी जिंदगी है। तस्वीर बना देना। हाँ, हाँ, अब्बा तेरी तस्वीर बनाना भी फिरदा, मैं गरीबी का मजाक किस तरह उड़ा सकना? लाहौर किन्ने उड़ाया? लाहौर बेला सूरत। सुनिए जी अब्बा, इतने लाहौर पिया पड़ जा, मतलब असि दोवे शैतान मारे दे सिर कुल्हाड़ी मारदा क्यों? मार दे ना, मार। उल्लू है तू तो मेरी धी है। इन्हें जरूर कोई जादू किया है। चल दफा हो जा, क्यों मेरे हथों बंदा दया करवाने लगी? अब्बा तू तो एवं मेरी बेइज्जती खराब कर रहे, कोई गल नहीं बाहू बाहर से आएगा ना फिर निपड़ांगी। बाबा जी इतने का गुंडा है ना? ए, बिल्कुल चली एदी गल का पुराना बना, ए निकी जी सी एदी मां मर गई सी ते मैं बड़े लाजा नस पा ले। कोई गल नहीं, किसी चीज की जरूरत हो तो मैं दसा। नहीं तो बहुत बहुत शुक्रिया। बंदा जो बुढ़ा हो जाए तो निक्किया बच्चा की तरह चीका मारन लग पैंदा है, और तो पागल हो जाता है। चल साबरा सबर कर। बाबू नाश्ता कराता है ना? हाय हाय, मैं तो कुल करा पीनी है, तो नाश्ते की गल करना पे? कही तो सा मेहमान है, वो की सोचेगा कि भाई लोग किस तरह के होंगे? अब्बा जे तू मेरे को इस तरह ही नाश्ता कराता रहे ना तो इन्हें तो सारी उम्र नहीं हो जाना। बंदा एक दिन का मेहमान होता है, पर इन्हें तो इतने डेरे ला लेने। मैं तेरे नाश्ता लेके आई हूं बहू, करना ही तो कर। हाँ हाय उच्चा सुनने, मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आई हूं, लाना तो नहीं सी पर अभी ने मजबूर किया। नाश्ता ले आइए नाश्ता। मिले जसानू हूं जावे ना तू दूर नी, पल भी जुदाई तेरी नहीं मंजूर नी, पल भी जुदाई तेरी। की वेख रहे? दीदे कट लगी तेरी, नाश्ता कर।
ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟ ਕੱਢ ਮਾਰੀਏ। ਇੱਟ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ? ਇੱਥੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਹੱਥੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਣੇ। ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਬਾਹ। ਇਹ ਬਾਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੀ ਛੁਟਾਏਗੀ। ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਵਾਂ? ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ? ਵੇ ਬਾਊ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਕ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਗਲ ਲਈ ਹਾਰ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਬੁੰਦੇ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਪੱਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ। ਪੱਪੂ? ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪੱਪੂ ਵੀ ਹੈ? ਆਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ? ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਆਏ ਹਾਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਧੀਏ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇਰੀ ਟੋਲੀ ਛੇਤੀ ਟੋਰ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਟੋਲੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਹੋ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਦਾ? ਤੂੰ ਮਿਲੀ ਬੜੀ ਲੇਟ। ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਜਾ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਨਾ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ? ਦੇ, ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਡੱਕਿਆ ਹੈ? ਦਿਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹਿਰਨੀ ਵਾਂਗੂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ। ਕਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਓਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਮਝ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੋਕਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਕਮੀਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਲੀਲ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸਲ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲ ਵਧੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਛੱਡ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਕਮੀਨੇ। ਦਿਲਾਵਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਜਨਮ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ। ਜਦ ਹੋ ਜਾ ਜੱਤ ਮੇਰਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਚੁਰਾ ਲਿੱਤੇ ਨੇ? ਸਿੱਧੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਚੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਮੁੰਸ਼ੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 80% ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਟੈਨ ਕੋਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ। ਬੋਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਐਲੇ ਭਾਈ, ਕੱਟ ਕਟਈਆ ਕਰਕੇ ਤੇ 10 ਰੁਪਈਏ ਇਹ 95 ਪੈਸੇ। 10 ਰੁਪਈਏ 95 ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋ ਬਾਟਾ ਦਾ ਬੂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਬੂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਤਲੇ 95 ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ।
हांडी का मुंह खुला होवे तो कुत्ते नु शर्मानी चाहिए भैन गया मुंदर में तो बाबर जी परवाना बाबर जी परवाना हाजिर हो जाए समझर छटिल जावे ओनू नहीं कहते परवाना खामोश वो अपनी सफाई कुछ कहना चाहे जी चार दिन हो गए ना मैं अपने आप नु डबल रेट ते तो आया सी मैं तेरी सफाई दी गल सी कर दी केड़ी सफाई की गल करते हो बर्तन की सफाई मोर्ची खाने की सफाई पांडे की सफाई ट्रंका की सफाई रजाइया की सफाई ईमान की सफाई मैं उस सफाई की गल नहीं जेल की सफाई की गल थी करनी तू मोर्ची के पैसे चुराना बस बीबी जी ये गल करके तुसी मेरे ईमान नु तरेड़ा पाती जे जिथों तक मैं याद है अव्वल तो इस घर च गोश्त पक्का ही नहीं जे पक्का भी है टोपी आली मोमबत्ती हुंदी है अज बड़ी हिटलर तबीयत हुई है साडी भी मंदर नंबर 3 चौकीदार अंजाना खान चौकीदार अंजाना हाजिर हो जाए अभी सलाम अलैकुम मेम साहब तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो सफाई हम ये तो चौकीदार है कुछ जमादार नहीं हमारा जुर्म क्या है तुम्हारा जुर्म ये है कि जब तुम आया था तो बहुत पतला था एक महीने में इतना मोटा कैसे हो वो तो अब तुमको देख के खुश होता है अल्लाह का फजल है तुम पर तो फजल है मुसीबत हम पर है वो कैसे किस लिए क्यों देखो जितना हमारा पूरा घर खाता है उतना तुम अकेला खाता सानू वारा नहीं खाता वो तुम चुप करो चमचे बात ये है कि महंगाई का जमाना है इसलिए तुम हमें सुख लेंगे सूट तो हम कभी नहीं पहनते मेरा मतलब ये है कि तुम्हारी हमें जरूरत नहीं तू ऐसा बोलो ना तुम चौकीदार रखने के काबिल नहीं बकवास बंद मोची इसी तरह खाते 90% काट के बाकी अदा हारेगा पहले भाई कट कटैया कट कटैया कट कटैया करेगा बगर कटकटी 150 रुपए 30 पैसे भी ये लोग बोला अपने मीम साहब को बोलो अपने सर में बादाम रोगन का मालिश करे तेरा मुँह मालिश करे सलाम अलैकुम मैंने तेरे एक वास्ते बुलाया कि और नालायक हो कि उन्होंने माँ की देख रही का कोई ख्याल नहीं और मेरे साथ 2 दिन का वादा करके मरी गया थी फिर उसे ही जाके बैठ माँ जी उन्होंने उसे बहना नहीं चाहिए पर मैं उन्होंने अज ही लिख देंगा कि जे तू बैठा होया तो उठ खलो तो जे उठ खलोता तो टुर पाओ वो जे टुर पे है तो फटाफट माँ के कदमा च पहुंच पर उसे कर ही रहा तारा टूटन मेरे दिल की आवाज भी खामोश हो जाएगी जे तू हूं भी मैं सो ना दिता तो मैं इन भी खामोश कर देंगी ते फिर नींदर तेरे तू होर भी दूर नसेगी तू सोना चाहेंगी पर सो ना सकेगी मैं तेन सौ के बखावगी जे तू मैं सो ना दिता तो फिर मैं इन्हें भी खामोश कर देंगी ते फिर नींदर तेरे को होर भी दूर चली जाएगी मैं तेन सौ के बखावगी तो नहीं सो सकती मनु पता लग गया चेड़ी अब मेरे सीने च भर गई है उन्हें सुना इस तू नहीं झूठ है झूठ ना बोल सच कर मेरे ख्याल में तेरे को रात दिया नींद नहीं खोई नहीं मैं तो आराम न सुती सा तू ही आके मैंने चकाया तो फिर तू होर जाके ऐसे कि मैं सवेरे ही शहर जा रहा हूँ चलिए जाके प्यादी कभी रोक ले तेरे सच्ची मुझे चला जाएगा कितने चले जितने मेरी मर्जी जान तो पहला एना कुछ
कि इस पहाड़ से तेरी नहीं साड़ी मर्जी चली। तेरी तो कोई मर्जी नहीं। मैं कहनी तू इतों नहीं जा सकता। मैं कहना मैं तू जावांगा और जा रहा आठ परे। जे तू मैनू माफ ना किया तो रब के सामने मर जाऊंगी। मैं ते प्यार से वफा दे ये हाथ तेरा इना कलाइया च मैं प्यार दिया चूड़ियां पाना चाहना। इस मथे ते वोटी का झूमर सजा के तेन हमेशा लिए अपनाना चाहना। तेन मंजूर है बहू? एक गल झूठे नहीं। मैं रब की कसम खा के कहना ये बिल्कुल सच है। सुन दिए तस्वीरे पूरी गल ते सुन दी जा कई सदिया तो तेरिया रावा तकदा प्यार मेरा मैं
सजना सजना निकी जय हाँ सजना तेरा प्यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਅਜਲਾ ਤੋਂ ਦੋ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਗੁਜਰੇ ਮਾਂ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਖਲੋਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜਰੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਬਾਬਰਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚਾਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬੇਗਾਰ ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਾਲਾ ਹਟ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਓਏ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉੱਠੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਰਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਬਰਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਲਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਬਰਾ ਜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਵਾਰਾ ਫਰਮਾ ਲਵੇ ਪਰ ਤੰਗ ਆਵਨ ਭਜੰਗ ਆਮਦ ਉਹੀ ਬਗਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਸਾਬਰਾ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਚਲਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੱਗ ਉਗਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਈ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੀ ਸਹੀ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਇਹ ਉਮਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੁਕਰੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਵਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਏ ਮੈਂ ਝੰਜ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਭਾਈਆ ਓ ਪਾਪਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਤਾੜੀ ਮੁਛਲਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਬਾਰ ਖਾਨੇ ਤੇਰਾ ਢੋਲਨ ਮਾਏ
फड़के रंगले पलंग बिछावेगा। जुग जी सदा वसे कर तेरा बार खड़ाने तेरा ढोलन माही, बार खड़ा तेरा ढोलन माही, सिर ते बन के सेरा। मेरी नहीं हो सकी, मैं उन्हें किसी होर की भी नहीं होने दूंगा। बाहर का तूफान सिर्फ कैसा था पर अंदर का तूफान मैं निरासत में आते तू क्या है की गल है? मेरा मतलब है कि तुसी खाना मेरे कमरे च खाओगे या मैं तुहाडे कमरे च खावा? तू अपना खाना अपने कमरे च खा दे ते सारा खाना साडे कमरे च भेज दे। अच्छा जी भाभी जी अस्सलाम वालेकुम। हूं की पसूड़ी पै गई है भाई जान? पसूड़ी ए बैरा कह रहा है अज गंदलां दा साग ते आलू मटर पकाए ने, गोश्त गाश्त मिल नहीं सकता क्योंकि अज मीटलेस डे वे। मीटलेस डे तेरे वास्ते वे साडे वास्ते नहीं, दफा हो जा। तो कमाल है भाई, पले दा जमाना नहीं एक गल ले उन नेकी कर दरिया में डाल। तोबा तोबा ओ सर्दी दा साडा मुंह सुकर के जुआरे वर्गा हो गया, असि भी अपना मुंह तो वेखिए की बनया की है बिखर गए वाल साडे। ओए तेरे दिल तेरे कदम जो रखे तू बहर उते बात सही। ओ भाई मेरी गल तो थोड़ा खुदा दी कसम बाहर बनी सकदी, तू बाहर जा। मेरी गल सुन भाभी, सामने इस तरह बेइज्जती ना करो, तू बाहर जा। अदारो खुदा दी अपनी थोड़ी गल करनी, ये गल है एक सीधा दी डब्बी दे आंदा सोफा पर है। चल बा चल। अच्छा भाभी जी बाय बाय। ओ चल भाभी ना नहीं जाना होवे फिर। आहो मेरा छोटा भाई, इस कम वक्त में सानू आराम नहीं बैठ देना। अच्छा अच्छा इस चार दीवारी तू निकल के बाहर की नेकियां फिजावा इच्छा ले और इस रात में अपनी मोहब्बत का गवाह बना। Thank you.
हुस्न तेरे दिया खैरा शाला चुम लैन दे हाथ में दे वाला सुन तेरे दिया खैरा शाला चुम लेने दे हाथ में दे वाला दिल करता है बेखिचावा गोरी गल दा दिल ए काला क्यों ना प्यार कराए सोनिया बुलिया दा हम सा अज दी रात नशीली तारिया नूर लुटाया चौदवी दा चन वेख ले सानू दिन मुबारक आया है सोनिए अज दी रात नशीली के नागला साधों शर्मा के साडे ते जे तरस नहीं आता लग जाए इस मौसम दे आखे सदरा दे तूफान ने सानू जग दा होश भुलाया है सोनी अज दी रात नशीली तारिया नूर लुटाया चौदवी दा चन वेख ले सानू दिन मुबारक आया है सोनी अज दी रात नशीली लिख ली आप भाभी चलिए बड़ी देर हो गई हूं इतने रह रहे कि पंद्रह भी गिदड़ से पैंती लगूर मेरे वक बन गया कुछ शराफ ने परिवार का जो सर्दी लिया के खाता खराब शुरू कर चलिए अली तक नहीं पहुंचे हो सकता है अंधेरी की वजह ना रस्ते चुकया हो उसी लकड़ वाले पुल से उन्होंने इंतजार करना देखना बच के ना जान
क्यों? परेशान क्यों ना हो, अल्लाह खैर करे। डोली अजे तक नहीं आई। आई रही हूँ। और तू आई रही कह रही है, वो तो आ भी गई है। जिन्हें मेरे पुत्र ने तारीफ की थी वो तो वध निकली है। क्यों है, क्यों रो रही पुत्र? वे तुझे वादे क्यों बंद कर देते ने? देख नहीं रे, मेरा पुत्र वादी लेके आया। वोटी ते आ गई है माँ जी, पर इधर लड़ा नहीं आ सकी। क्यों नहीं आ सकी? नहीं आ सकिया माँ, जालम तकदीर ने साडे कोलो खोले। वे बुझा करना पा, खुल के गल कर, नहीं तो मेरा कलेजा पाड़ जाएगा। आंदे आया रस्ते सानू डाकुआ ने घेर लिया सी माँ जी, ते पाई जाने अपनी इज्जत बचानिया बचानिया मौत नू गले ला लिया, ते दरिया भी उस गहराई च डुब गए जिथों सारी रात लभण तो बाद भी उन्हां दी लाश दा कोई पता नहीं चल सके। जाने सहेली जुग जुग जी सदा वसे कर तेरा। भाई जान दा कमरा पापी जान, भाई जान दा कमरा। हजरात, जिस जोशो खरोश के नाल तुसी इस जलसा गाह दे शिरकत कीती है, असी तह दिल तो मशकूर हां। हुण मैं जनाब वड्डे अनजान अली खान साहब की खिदमत दे च अर्ज करांगा भई अपने ख्यालात दा इजहार कर। हजरात, सलाम अलैकुम। कसम है हमको अपने बाप की लकड़ी का टाल का, हमारा दोस्त परवाना खान ने जो तुमको बताया हम पूरी तरह उसके साथ है। अब हम बस्ताना खान से दरख्वास्त करते हैं कि अपने ख्यालात पर रोशनी डाले। रोमन फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन, पिछले हफ्ते जो हशर साडे नाल हो चुका है, जिस दलालत नाल सानू नौकरियों कढ़िया गया है, उस हशर नु मरे नजर रखते हुए मैं ऐलान करने से मजबूर हो गया कि दोस्तों आजकल के जमाने सच्चाई करोगे, ईमानदारी का दामन थामोगे ते भुखे मरोगे। हाय, तंगा मत पतंगा मत मेरे दोस्तों, जैश और इशरत जिंदगी गुजारना चाहते हो ते बेईमानी करो, धोखा करो, डाके मारो। मेरे दोस्तों, मेरा ये फैसला तुहानू मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है, लेकिन करो, हम बेईमानी करेगा लेकिन उससे पहले तुम दोनों यदि दस्तखत करो हम अंगूठा लगाएगा। मुसीबत के वक्त हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, असि जिथे भी जुतियां खावांगे कट्ठे ही खावांगे। मुक गई दादे निशानी नू कदी ना गई कि मियां अंग्रेज जिथे चांदे जी। हालांकि साडे वालिद साहब मरहूम मरण लगे कह गए सन ते मेरे बचड़े अपनी इज्जत वेच देना, अपनी आबरू वेच देना, अपनी गैरत वेच देना, पर खोखा कदी ना वेचना। और हाथों जी तंग आमद बजंगा आमद क्या मियां जी? आमद बजंगा आमद क्या आमद अज क्या मियां जी? एदा मतलब है तुसे पहले अपनी इज्जत बेची, हर चीज बेची तो हुन खोखा बेचन लगी। वो एक मजबूरी दूसरा मजबूरी का पैदाइश करते हैं। वड्डी मच्छी छोटी मच्छी नु खा जांदी है, ते साडी चाची मिर्गी दे दौरे ना ते चाचा चाची दे दौरे ना मरदा, ते सानू उन्हां दी जमीना ते जायदादा ते कब्जा करन वास्ते पाइप फिर ना जाना पैंदा। ऐसे खोखा कभी ना बेचदे हाथों जी, सौदा करो साडे। देखो जी मियां जी, सौदा करना है कमाल कर दिस मियां जी। देखो जी इस खोखे च सिर्फ मैं लकड़ी चाहदी सी, इहदे जिहड़ी चीज मैंने चाहदी सी मैं सिर्फ 200 रुपया दे सी। मजबूर वेख के तीर मार रहे हाथों जी, चलो 200 रुपये कटो। मैं तीर मारते मैं कुछ शिमर का बचा चारों जी मियां जी।
जी मैं जी गाले से जी अच्छा चलो जी ले लो जी मैं अच्छा जी सौदा मुबारक मुबारक हो जी मैं सौदा मुबारक हो साडा कमीशन मैं आपसे कमीशन नहीं दे सकती मैं जी क्यों तेन से नस्वार से बोरे चाहिए मैं आज चलो चुप चलो जान अच्छा जी अंग्रेज मियां जी ए खोखे ते चाबी ते दियो ने जी ओए तोड़ पन सेट कुआड़े नाल वड्डी केड़ी चाबी हो सकती है ये को ठीक है सास वाला हुकूमत अंग्रेज ने आवे ते ने कीते इस मेरे ते सी अच्छा ठीक है जी ओ अच्छा तो दा मैं आ रहा हूं मोया ये तो बड़ी सख्त चीज है फाजा जी ये तो जोर आजमाई का काम जेस या फिर दस्तगीर मदद कर जंग अभी जारी है मियां जी ओए 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 फना खराब दा पुत्र वे की करन दे दे हमारे डाकू दे बच्चे मियां जी संभाल के गल करो जी मियां जी डाकू तुम्हारी मां प्यो पैन पर आ जी मियां जी ओ की बकवास कर रहे हो खोपा कैसे साबित तोड़े ए दा मैं मालिक जी 200 रुपए दा खरीदिस जी ओ की बकवास करना ए दा मालिक मैं मालक जी 200 रुपए का खरीदे और 20,000 बंदर सामान था तू 200 से किस तरह खरीद लिया ओ इस वजह अच्छे उन्हें मालक आई सी मैं खरीदिया सी 200 तक ओए नुकसान तेरा प्यो पूरा करेगा चलो मियां जी तुसे मेरे प्यो नुकसान पूरा करो जी की बकवास करना चल मेरे थाने चल जा मियां जी इस तरह करो पुलिस हाथ लेओ जी मैं वेली नहीं आले और की बकवास करना चल नुकसान किस तरह पूरी कर दी पैसे काट दे धोखा बनवा दे कितने पैसे मियां जी 100 रुपया कुछ कट करो जी बिल्कुल नहीं हो सकता सवेरे पता नहीं केदा मुंह देखे शीशा देखा होना तू नहीं मियां जी साडे घर ते शीशा कोई नहीं तुहाडा मुंह पहले वेखे की बकवास करना अच्छा मियां जी ना मारो ना जी अल्लाह जी दोस्त जी चले तो दफाएगा अच्छा जी खुश हो मियां जी हां उन तो कोई तकलीफ नहीं जी तो मैं उन पाने लगे अच्छा जी चले चले मियां जी या अल्लाह कितना डाकुआ दा जमाना है मियां जी मर के जिधर जानी है लुटी जानी है जी जदों दी असी पैमानी शुरू कीती साडिया जेबां च नोट मुकदे ही नहीं चलो ते ऐस होटल विच जाके नोट मुकाइए हो गया इथे ते डांस होंदे सन ए गड्डियां दी वर्कशॉप किसां खुल गई है भाई साहब जरा गल सुन लो मैं के दस होई की गल मैं है भाई जी भई इथे ते डांस गाउणे होंदे सन इथे गड्डियां दा शोरूम खुल गया नहीं तां डांस नाचां ने होटल दे अंदर होंदे ने पूरा बानो बाजार चुक ले आवांगा सके जावा ले
तुमने हम पे एकदम पागल कर दिया। तो फिर कल सवा दस बजे इस पते पर आना, तुमने साधों का भी लाना, अपने फ्रेंड को ना बताना। गोली मारू ना शुक्रिया, ऐसा तोहफा लाना तो पूरी याद करेंगे। वो तो हम तुम्हारे घर का ड्रेस पूछ रहा था। क्यों पूछता था? हमको तुमसे प्यार हो गया। तुम भी पार हो गया। कल इस पते पर 10:30 बजे तुम आना, कुछ अच्छा सा तोहफा भी लाना, अपने दोस्तों को मत बताना। हम कोई गाँव करते इतना पर्दा का बात अपने दोस्तों को क्यों बताएगा? अस्सी आदत बदले आपके साथ रहते। बस चल चल, मैं तो नहीं जाना। नहीं अब्बा जी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्यों? तीन दिन से जावे तो वापस नहीं मांगते। और तेरा हाथ से हाथ में कितना सी जदू ही जा रहा, मैं तेन कितने सारे छड़ के जाऊं। वो तो चले गए ने अब्बा जी, पर मेरे लिए इस घर विच अपने याद से मां दे शक का छड़ के नहीं। उन्होंने दुनिया च सब तो अजीज मां सी, मैं मां दी खिदमत करके उन्हें दी रूह खुश रखा। भाई साहब, मैं तारे दरबार मुंह लेन वास्ते तो नहीं सही, पर तेरी बात है तारे सामने सामने फैला रही है। मैं की जवाब दिया मैडम? इस सामरा भी हो जाती है, मैं उनकी सब पैदा जान तू है। ये यही कर रही तेरे बजगा ने थले आ कर दी कि भाई आते पुत्र केड़ी फिल्म खाएगा? आदम हसीना उर्फ एक उल्लू का पट्ठा। कौन है तू? कौन है तू? कौन है तू? इंसान का बच्चा। इंसान का बच्चा? पर ऐसे क्यों लेना है? सच्चा बच्चा है। बकवास बंद कर, तू अंदर आया किस तरह? मैं आया तो नहीं, मैं तो सुटे गया। मैं तो बाहर सड़क पे आराम नाल जा रहा से मुंह करके ट्रक के मेरे विच वजे ते ट्रक पास पास होके खड्ड जावे ते मैं इथे आ गया। बस इन्नी गल ते हुन चपेड़ मार के मैं तेनू बाहर कर लांगी। कमीने आ, मैं तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करता। अगर तुसी वैसे कहो तो मैं चला जांदा। चल दफा हो। अच्छा
लेकिन तुम मेरे बहुत ज्यादा की क्योंकि तो मेरे को थिएटर दिया दो टिकटा ने ते हूं अगर ये नाल ले जाएगी तो की मैं अपनी अम्मी नाल लेके जाऊंगा है जी है जी है जी अच्छा जी ना सर शरीफ खान दान दी हरकत बिल्कुल सेफ नहीं दी रोशनी पा सकते हो कि साडे मरहूम दोस्त भी बेवा किते असीं ओदी शकल वेखना चाहुंदे हां साडे सामने खलोती साडे मरूम दोस्त की बदनसीब बेवा जवान बेवा वो ये हमारा बेवा बेन साबरा भैन हुण तुसी सबर करो दिन ते जबर करो अगर कोई तकलीफ हो तो अपने भाई को खबर करो मां जी ये साडे कौन ने ए कदी साडे मुलाजिम छे अच्छा बेगम साहिबा थोड़ा से रो रो के जी हल्का कर लिया असुन चल लिया हले ज्यादा देर खड़ोन की ताकत भी नहीं रही तिना दिन में भूखे बेगम साहबा तुम फिक्र नहीं करो हम 10 दिन तक अकबर बाबू की मौत का दम खाएगा रोटी नहीं खाएगा रोटी जरूर खाओ तुम्हें मजबूरी कर रहे हो सानू तकल्लफ ची पै गए हो तो फिर मंगवाओ कर अच्छा मैं रोटी लेके आनी अम्मा जी अब तू ये तो बेटो हमारे एक बात का जवाब दो ये अकबर बाबू का मौत किस तरह हुआ क्यों हुआ था केड़ी कबर च दबे आजे तू कबर ते पहुंचा देना ਸਾਡੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਕਦੀ ਜਿਸਮ ਕੋਲੋਂ ਸਾਇਆ ਵੀ ਜੁਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਬਰੇ ਤੂੰ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਕੀ ਹੈ मैं चाहना वहां के तू जिद छड़ के अपनी बाह मैनू फड़ा दे ते मेरे दिल की रानी बन तेरी ये ख्वाहिश क्या मैं तक पूरी नहीं हो सकती ते फिर आज का दिन क्या मैं समझ मैं देखूंगा तेनू मेरे को कौन छुड़ा सकता है भाभी है इस मजार पे दुआ मांगने आई
तो फिर इस भाभी को बोलो जब मदार भी दुआ मांगने आता है तो कम से कम बोरका पहन के आए, न कोई गुंडा देखेगा न कोई छेड़ेगा, समझे? अभी उतरिया क्या तुम मर दो आगे जल्दी आ गई इतना करा रही देखा सबर के शोर में कहो तेरा नाम। अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ सवारी चीज पे। अच्छा सानू सजना द मिलन दिता कला ना कला सत जाम कवा पता मैन पमा पाम कवा लुशलका लगदा दिल मेरा हो जा पे प्या सजरा हो रबा। अच्छा यार मैं जरा दादा साहब सलाम कर रहा हूं, गुनावा का बोझ इन्ना को हो गया पे मैं परवाना कट ते पांडी बहुता लगन लग गया। वालेकुम सलाम। जल्दी आना। वो तुम किधर नहीं जाएगा? हाँ खान साहब मनु याद आ गया है, मैं भाई फेरू अपने बड़े भरा भाई तोरू को जाना है, उन्हें कराची दे स्टेशन दे टोल के तो मैं फटाफट मैं वापस आ। ठीक है चेती जाओ जल्दी करो। चलो चलो चलो। वही अच्छा हुआ ये दोनों चला गया, अब आदम खान अपने दुरखानी से मिलने जाएगा, पर तोहफा क्या लेके जाए? जैसे वाटर के बगैर फिश यानी मछली तड़पता हाय हाय सबके जावा की उर्दू ते अंग्रेजी दी पुर्जी बनाई हो। तुम हमारे लिए क्या तोहफा लाए? साड़ी मोहब्बत दा पहला तोहफा। की गल इहदे चिट्ठुआं ते नहीं ओए चीचो चीज गंडेरियां इक मेरी ते सारियां तेरियां, इहनू चूप नाले ते इहदे नाल दंद मजबूत हुंदे ने ते नाले सीने च ठंड पैंदी। महंगे तोहफे च मोहब्बत नहीं होंदी लालच होंदा। वो अग क्यों सुटनी है माणो पीछे किथे वो मां ते आप इना कोल चोरी आया और मैंने लुका के चलाक बांदरी मैनु की करन लगी है। वाह वाह इश्का नंगिया करा और इश्क कर और कुड़ी नु मिलन वास्ते आ लानत हो जाए इश्क दा। मर गई जी मेरा ख्याल है मेरे वास्ते कोई बिस्तरा वगैरह बिछा रही है, कुछ चार शाह बंदोबस्त कर रही होनी। Thank you.
भेज कर आया। मैं तेरे लिए सूए बाजार हीरे का हार लेने गया था। कुछ तो फिर लाया? न्याने से मैंने कोई उजर नहीं सी, पर मैंने कोई हार पसंद ही नहीं आया। वाह, क्यों? इस वास्ते कि उन्होंने जो मैंने प्यार दी खुशबू नहीं आई, तो मैं सोचा कि वो हार ही की है जिद इश्क दी मुश्क ना आवे, लिहाजा चूंके चुनाचे मैं हीरिया का हार तो नहीं ऐ सुचे मोतिया का हार चुक लिया है। गले च भी पाओ तेरी खुशबू भी सूंगो, नक इस हार वाल ते कन इस दिल ते रखो, ते आवाज सुनो कि मेरा दिल किवें ठक ठक पिया करदा है। सुनिए कैसी आवाज है? ओ ये दिल का ठक ठक नहीं, दरवाजा ठक ठक करता है। जब खान का पुत्र इतने किधर आ गया, मैं तो इन्होंने दोनों चक्कर देके आया था। मैं छुपा जिस लकड़ा आ रहे पुत्र मैं बता इतने देख लिया, मेरे नक च नसवार पा दी। मैं तो अंदर मेरा हम आता है। अंदर चुप करके खिला रहे, हम जो कुछ करते ठीक करते।
समझ गया। ये मेरा भाई पीछे आता और उसने तो सिकंदर को दलील करा दिया था। हम क्या चीज है? इब्तदा इश्क है रोना है क्यों, अगे अगे वेखली होता है क्या? और दलील मत करो मेरा यार। और अब क्या तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कपड़ा उतार। ओए व्यवहार साहब, यार तेरी वजह तो मेरी शूटिंग कैंसिल हुई, मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा तब। लुक मिस्टर डायरेक्टर, हम तुम्हारा 5,000 रुपीज खा ही गया। मैं खान नु कह रहे हैं, मेरा प्रोड्यूसर मेरे पास। लुक मिस्टर, देखो हमने उसके लिए पत्थर लाया, उसको काटा है, फिर वो बनता है। हमने घर में मशीन थोड़ा लगाया है, ये तुम चिक चिक करते है बाबा। आखिर तुम ये गुस्सा क्यों करते है? काट This is my art gallery. ਬੜੇ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬੰਡਲ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੂਲੀਅਸ, तुमने तो हमारा प्रॉब्लम हल कर दिया। कितना नेचुरल वाला स्टैचू बनाया है। ये मैंने आज ही बनाया पापा। ओह वंडरफुल, लुक मिस्टर डायरेक्टर, ये तमाम स्टैचू हमारा बेबी ने बनाया। इस तरह से बिल्कुल नेचुरल बोलते तुमने। तू इन्हें किंच कर, इन्हें सारे पैक करा के ना स्टूडियो में जाओ। ऑलराइट, आओ जल्दिया इन्हें पुतों को चुके बाहर ले चलो। देखो ख्याल ना चुकना, ठीक है? टूट पाज ना जाओ, स्पेशल कुछ बड़े ने शाबाश छेड़ी को एक रात की। की मतलब? मतलब है वे कि जिस रात वोटी बनी इस जालम दुनिया ने ओदी शगना दी रात नू हंजुआ च बदल दिता, ते ओदे सुहाग नू ओदे कोलों खो के उस मजलूम दे सीने ते एहो जे फट लाए जिन्हां दी पीड़ नाल ना ओ मर सकी ते ना ओ जी सकी। भाभी जी सिर्फ इन्नी जी गल तो रोन लग पे, उस मजलूम ने ते बड़े बड़े तूफाना का मुकाबला किया, दुनिया के सारे गम ओदे ते टुट पए सन, पर उन्हें अपनी अखां च कथू नहीं सी आन दिता। की बात करनी है? उन्हें फरिश्ता है। आ जाता इस चार दीवारी से निकल के बाहर की अमेकियां फिजा में छा लेंगे और इस रात को अपनी मोहब्बत का गवाह बना लेंगे। ਸਾਰੇ ਸਵਾਗਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਔਰਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਣੇ ਦਿੱਤੇ।
अम्मी ये तुसी की कह रहे हो? जड़िया मेरी अखा दे चुकी ने। अखा का की इतबार है मां जी? ये कदम कदम से धोखा दें। मेरिया अखा भी उस पुत्र परखने धोखा खादी रही ने जिदे ते एस पैरस ने अपनी सादगी का पर्दा पाया हो। पर जो पर्दा रात दे मेरे बिच आख हो गया है जिदे पिछे तुसी दोनों मिलके यो दादे दी अजमत मां दी सादगी ते मेरे मरे हुए पुत्र की इज्जत नु तार तार कर दे रहे हो। अम्मी जी तानू गलत फहमी हुई है। मेरा ख्याल है भाभी हुने किसी खाब के तसलसल च इतों तक आ गए। खाब के तसलसल? हां मां जी, अगर इस तरह ना होता तो भाभी हुरी कभी भी मेरे गले ला के मैं सरताज ना कहते। तुसी असल गल समझन की कोशिश तो करो ना कि तू इन बेगुनाह साबित करके आइंदा गुनाह वाली राह हमवार कर दे। हूं ऐस करी गुनाह वाली खेड नहीं खेडी जाएगी। तू ऐस करके कर नहीं जानी थी बैठ के जे तेरे से जवानी है नहीं पारी थी तो किसी कोशिश में जा बैठी। अम्मी जी नहीं तो मैं अपने हाथ नाल तेरा गला दबा के दुनिया वालिया से साबित कर दिया कि मामा अपने खानदान की इज्जत बचा के और ला तक कुर्बान कर देनी। अम्मी जी मैनू जिन्ना दिल करता जे मार लवो पर रब का वास्ते ही इस मजदूम को कुछ ना कहना। इन्हों की जिंदगी जिसे पहले ही दुखा के अलावा और कुछ भी नहीं। मैं कह जो दिता है मैं इस घर में नहीं रह सकती। निकल जाए। अम्मी भाभी उन्होंने दुनिया की कोई ताकत इस घर चो नहीं कर सकती। मैं ठीक कह रहा अम्मी जी, अगर भाभी उरी इस घर चो चले गए तो फिर इन्होंने दरवाजा मेरे से भी पास समझो। अरे बुजुर्गा यार जरा सजे पहन करो और बस फिक्स कर देते। लो जी लाला जी, इस तो पहला सीन है कि तुसी घोड़िया के उ अपने साथियों का फुल मौत से सर पटा रहे। तुसी एक नारा मारे है अल्लाह अकबर नारे तकबीर कट करके। मैं रोमन बादशाह के क्रॉस से आया, रोमन बादशाह के क्रॉस से आया कि ताकि आवाज उभर लग पाई तो जूम पैक किया तो रोमन बादशाह पैक ना उठे तो उठ के कहना है कहना साडे ते फिर हमला कर दिता है तो उस बच के कोई ना जाए। बाबा एक कश्मीरी साहब तुम तो साढ़े कन्न खाने शुरू कर दिते ने। जो शॉट लाले हो रन करना तुम उन्होंने समझाओ। तेन बोलन की बड़ी आदत है, तू करेले गोश्त खा के तो नहीं आई। खाने की तो सारी बात है शहजादी। क्या बात है, आज बड़े गुस्से में हो? जी हाँ। ये क्या बदतमीजी है तबस्सुम? एड्रेस फ्री हो गया, ऑर्डर ना रख फड़ ले। रब रहम कर रहे आज सारे ने मूड ऑफ है किधरे शूटिंग ही ना कैंसिल हो जाए। और अब मैं क्या जी बोता नहीं लाइट डार्क किधर ठीक है जाके चेक कर लो है काला नजर नहीं आ। कड़े पत्ता मेरे भाई काम भी नहीं करने दे रहा है। एक कड़े फिल्म की शूटिंग हो रही सुधीर साहब का ऑटोग्राफ से ले रहे यार। इन्ना लिल्लाह वन्ना इलैहि राजिऊन एक ते सुटिया और मेरा ख्याल है मिर्गी पै गई है और बाहर जाके जूते सुवाए नु ओए फाइलां फड़ के खिलते रहते डायरेक्टर नीचे बनना। ओए रामन का दरबार सारे पुत रामन ने फ्रंटियर का बस कितों आ गया तो कभी ला जल्दी ना। अच्छा जी मैं शॉट लूंगा ठीक हो क्वार डालेगा तो हम कट कटैया करेगा। लो जी लाला जी शॉट च यह पूरा यकीन होना चाहिए कि तुम पुत सी भुतान बदलना है तो विलन ने ताड़ा रस्ता रोकना। तुम विलन में खर्च करके जमीन का सुट के नारा मार के एको बात तुम्हारा पुत नहीं गर्दन उड़ा देनी है। अरे फ्लाइट इन बुतों के टुकड़े करने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। ऐ रामन काम के जलील कुत्ते, आज मैं पहले तेरा सर कलम करूंगा फिर इन बुतों के टुकड़े करूंगा।
शॉट ओके होना चाहिए था मेरे को मटीरियल बड़ा ही घट गया जी। ओ बिगड़ी ने घर में रेडी हां अब वाइट और चुप कर जा डॉक्टर एक्शन शक्ल पेश के लोगों फराड किया कई मासूम इंसान के हाथ फेल होने लगे सर तो तुम पूछना सा जुलम की है दिस इज नॉट माई फॉल्ट दिस इज नॉट माई बेबी फॉल्ट वो हमने बुत नहीं बनाया हमारा बेबी ने बनाया इसको पकड़ो हम को क्यों पकड़ता है चुप करे अपना जुलम लड़की तो लाना By God, I swear on God, हम कसम खाता है कि हम बिल्कुल झूठ नहीं बोला तेन मैं करना थाने जाके बोला जदों तेन तेल च भिजे छितर पे ते तू आपे कहेगा चन किथे गुजारी है रात वे मिस्टर थानेदार अगर हम मछली वाला मुजरम रेस्ट करा देगा हमारा फादर छोड़ देगा ना मैं जनाब नूं पुछ रहा हूं जिस कुड़ी नाल तुसीं ब्याह कर रहे हो वो पहले मेरे नाल अड़ी सी जी जी मेरे ख्याल शायद तुसीं समझे नहीं मेरे नाल फसी सी जी जी अजय नहीं समझे मैं मतलब कि मेरी ईद सी जी जी अजय भी नहीं समझे मेरा मतलब कि मेरे नाल खराब सी जदों भी इस कुड़ी का विआह होया हर लाड़े ने मेरे नाल इस तरह कीती है जदों भी इस कुड़ी का विआह एक ही कह गया माशाल्लाह दो तीन महीने तक तुहाडे घर नया मेहमान आने वाला है की फिक्री है ताया मां एदे च घबराण वाली केड़ी गल है ए तो खुशी दी गल है खुशी खा के मैं तो सुनिया साबरा ने सुहाग रात तक नहीं वेखी पहला मैं तो सुनिया देवर भरजाई का चक्कर सी
जिस घर देवर बरजाई ने गुनाह वाढ़ा बनाया हो उस घर की धी भैन कभी बड़ दमन नहीं होता जंज वापस जाएगी चलो चलिए अपने चेहरे तो पसीने का निकाल ला के इस कल अग दे छोलियां सड़दियां वेख लै ते खानदान की इज्जत चीख चीख के सपनी का मुंह चढ़ा रहे हैं भाभी जी अम्मी भाभी होरां नूं की होया मैं पूछ रहा की होया भाभी होरां नूं बोलते क्यों नहीं अम्मी जवाब दो की होया भाभी होरां नूं अपने गुनाहों चीख चीख के छुपाने की बजाय इस रैती के शीशे में अपनी शकल देख ऐस कर दी बर्बादी ते कह खेला खानदान की लुटी हुई इज्जत ते पैन दी शादी दे वाजियां दी आवाज़ में दब के रह जान मां कहन तो पहला ऐस सुहागन ने सुर जुड़े पर दे जिन्हों तेरी बेदायती में कफन दी तो पैन दे पता दिता मां चुप हो जा रब दा वास्ता ही चुप हो जा मेरी चुप नानी तो उस कर दी सदा जता सा निकले है जो चुप ही कराना चाहना है तो सानू जेर दे दे सी आप चुप हो जाओगे मां जी मैं मुजरम हां ते मैनू मेरे जुर्म दी सजा दे रब दा वास्ते अगे वध के मेरा गला कुट दे मैनू जानो मार दे पुत्र जी जिंदा रहना नहीं चाहता उस कर दी इज्जत ते भी है गद्दार इस धाक नू हमेशा मिटा दे ओए बड़ी चंगी खबर सुनाई हो नादरा दी बरात वापस चली गई है अली से और चंगिया खबर सुनोगे ओए पर थानू साबरा दी समझ नहीं आई कि साढ़े जा गबरू जवान नू छड़ के उस चिबड़ मुए देवर नाल की इश्ता पेचा पाया छुकरा दिया सुनिया ने टुकरा दिया सुनिया ने अपने गुनाह ने बताया बर्बादी की जिम्मेदार तू है तेन हम जीन का कोई हक नहीं जे तेरे से जवानी है नहीं पाई तो किसी को नहीं नहीं मेरी भाभी गुनाहगार नहीं हो सकती मेरी भाभी गुनाहगार नहीं हो सकती फिर पक्का किधर है बोल जवाब दे पक्का किधर है दुनिया ने तेरे प्यार के निशाने में तेरे देवर से गुनाह का ना दिता है तू इतना चली जा चली जाए तू कसम खा के कहते Thank you.
रोती खुलती ताडे घर पहुंच गई हूं। तेरे मैं तो समझती इस दुनिया में मैं ही दुखी हूं, पर तेरी दुख भरी कहानी सुन के मैंने अपने दुख भुल गए ने। आफरी ने तेरे ते दिए कि तू इन मुसीबत ते दुखा का मुकाबला करके भी अपने ईमान डावा डोल नहीं होने दिता। तू अपनी मोहब्बत इज्जत ते शराफत की लाज रख ली है, हूं तू उस जिंदगी भुल जा जिदे तू साबरा सी। अज तो बाद तू साड़ी ती नजमा बन के साड़े कोल रहेगी ते असी तेनू नजमा ही कहांगी। अंजाना खान नू चांस देंगा कि उस स्टेज ते आके अपने बकवास का आगाज। थैंक यू मेरा दोस्तो, मेरा साथियो, मेरा भाईयो, कसम मैं आपको अपने बाप के टाल का हम तुमको यकीन दिलाते हैं उस मकार वरत जिसने हमारे मुहब्बत का मजाक उड़ा के सारा दुनिया को हम पे आते हैं, हम उसको बुलाएगा। प्लीज हमारा हेल्प करो। वो चुप करो, गुल मत करो, चलो इधर से। किधर जाओ? साढ़े लो टठे खूज जा। ओ खदम खुदा दा, और मैं तेरे घर प्यार कर गया ऐसा को कम से ही खेचन तन सा गया कि तू साडा मुंह काला करके फिल्म कंपनी के भेजता। आई हेट यू। नीचा दी अशनाई कोलो ते फैज किसे नहीं पाया। खदम खुदा दा,
मैं अपने दिल का कासा बनाओ कि तेरे बूहे तो सिर्फ इस वास्ते गया सा कि तू ओ प्यार की खैर पा दे, पर तू ओ प्यार की बजाय सुहा पा दी जी मैं अपने सिर में पा के अपने दोस्तों के कोलो जलील होया। और यू बैटर मी बांदरी है तू अपने बाप का टाल का हमारा गुस्सा कैसे तुमको उठा के इलाका गैर में ले जाए, मगर हमारा गैरत इजाजत नहीं देता इसलिए कि औरत के हाथ उठाना बुद्धिली। वालम का बच्ची हमने तुमसे मुहब्बत किया था, हमारा दिल था, कोई लंडे का कोट नहीं था जो तुम चे आने में नीलाम कर दिया। वह तुम बहुत डेंजरस लड़की है, अटू इधर। तुम हमसे नाराज हो गया, हमने तुम्हारी हाथ अपनी डैडी से जंग मारा। उसको बम का गोला क्यों नहीं मारा? इसलिए हम तुम्हारे पास आया है, हमारा डैडी हमारी शादी हमारी मर्जी के खिलाफ फिल्म स्टार उमर शरीफ के साथ करने को मांगता। तो जाओ करो, मरो मरो, मगर हम तो तुमसे शादी करना मांगता। वो पीछे आटा है, एक किस तरह हो सकता है भाई असी तीनों तो तुसी कल्ले। मेरा डैडी तुम तीनों का इम्तिहान लेगा, जो उसमें पास होगा उसके साथ हमारा शादी बनेगा। तो फिर फिक्र ना कर मैम, तेरा प्यो मेरा जिस किसी ना भी इम्तिहान लगेगा इंशाल्लाह मैं पूरा उतरांगा, पावे मनु कड़े चो क्यों ना लंघना पवे। उतरो ते वक्त दसेगा पे तू कड़े चो लंघना या मैं पुठी उल्टबाजी मार के घीया तोड़ के लिया। मैं 3 साल धंधा नाल खोते चुकदा रहा। तेरे नाल वड्डा खोता केड़ा हैगा? मेम साहबा इनका फिक्र ना करो, ये दोनों सर्कस का जानवर है, तुम्हारे बाप का जिवाई हम बने। अरे बटे नान जा जाकर ना सवार बेच। कोई हमको बटे नान बोलते है और तेरी छोटी बाकर खानी बोल रहे। वो कसम है हमको अपने बाप को। प्लीज वेट, इसका फैसला हमारे डैडी करेगा। चलो हमारे डैडी तुम्हारे वेट कर। मैं जीवन जी सलाम आना। सलाम खाए मेरा मतलब जिन्हें मेरी ट्राली लाके तेरे ना व्याह करवाना, तेरा फादर किथे? ओ आई सी, तुम्हारा अंदर वेट करता हाय। तो फिर मुझको क्यों लेट करता हाय? मंगवाए ने मौलवी का बंदोबस्त किया वे। शरीफ रखो। वालेकुम सलाम। माफ करना थानेदार साहब, मैं ताड़े को ये पूछ सकना कि तुसी इतने किस सिलसिले से तशरीफ ले आए हो? जिस सिलसिले तुसी तशरीफ ले आए हो उस सिलसिले च मैं इतने आया। अजीब सिलसिला, तुहाडा इंटरव्यू हो गया कि अजे होना है? इंटरव्यू तो मैं ताड़ा लांगा जी। जी दे बच्चे चलूंगा। इंटरव्यू अनेरे च लेना? चलूंगा। रब खैर करे, इंटरव्यू कुछ खतरनाक ही लगदा। कमरे च कोई भी नहीं, मेरा होने वाला सौरा किथे? मिस्टर बैन मैं आ गया वा, बाहर आके वेखो दसो केड़ा इंटरव्यू लेना जे। घरेलू मामले के बच्चा चक्कर
आला खराब के पुत्रो तुसी अपनी ऐसी हरकतों की वजह से 6 महीने की सजा 6 साल तब्दील कर रही है। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। पहले गल सुनो सुनाओ जी। तुम मुबारक हो। मुबारक काका है ओए आज थोड़ी रिहाई का दिन है। हम नहीं मानता। ओए तारा खोल दो। दरवाजा पूरा खोलो। दो फेरे असगर बाल तू की मायूसी की खबर सुना दीती है सानू। ढूंढन लग्या तो खुदा भी मिल जाता। असगर भाई जान असी ताडे घर का लूण खाधा है तेरिया चाड़ा नहीं खादिया गया। असी इस लूण का हक अदा करांगे। असी भाभी और जरूर लभ के लियावांगे। तू नहीं पता मैं अंकल नूरदीन खोजी का पुत्र हाँ। ये खोजी का पुत्र है? वो कोजे का पुत्र है। हम अपने बाप का पुत्र है। कसम है हमको अपने बाप का टांग का। हम अपने बाबी को जरूर ढूंढेगा। बशर्ते कि वो जिंदा हो। अल्लाह करे वो जिंदा हो। ते जे वो जिंदा नहीं जिथे भी है खुदा उन्होंने खुश रखे। Thank you.
सिकंदर बरपुरदार भी है ते मैनू पसंद भी, पर मां होने की हैसियत नाल सलमा की तकदीर का फैसला सलमा की मां साबरा ही कर सकती है। जे दो हस्तियां इत्थे मौजूद ने जिन्होंने मैनू इज्जत ते जिंदगी दोनों चीजा बख्शिया ने, उन्होंने मेरी रिश्ता पसंद है तो फिर मैनू की इतराज हो सकता है? तो फिर गल ही मुक्की, रब का शुक्र है जड़ी ख्वाहिश मैं लैके आई सा वो अल्लाह ने पूरी कर दी, पर मेरी सलमा ती है कितने? ऐसे किधरे होनी है? तो फिर अंगूठी सलमा नू मेरे वालों पवा देना, ते मैं अगले महीने की 14वीं नू जंज लैके आ जावांगी। लो भाई चौथा पक गया, ते हूं ये पता नहीं भी इतने वलीमा आके हुआ भाई। दोपहर की रोटी ते असी मोची दरवाजे वाले व्याह च झूठे बराती बन के खा ली सी, ते हुण रात की रोटी का बंदोबस्त झूठे हार पा के इत्थे कर लैने आ भाई। असी कमा ते कुछ सकते नहीं, साडी किस्मत च रोटी ना बरातां च लिखी हुई है। चलो चेती करो, हमारा पेट में भूख लगे, लीन में हो जाओ। मैं है पोते मतलब? मतलब रोटी किस वक्त खुलेगा? मेरा मतलब है मुंडे का प्यो माँ या भैन ये सब किथे ने? और सामने बैठे लिया। माफ करना जे जरा लेट हो गया, वैसे तुम लख लख मुबारक हो। अज फिर बचपन की याद ताजा करना, मैं अपनी अखा बंद करना, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੁਪ ਜਾਓ। ਜਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਪਿਕਨਿਕ, ਅੱਜ ਦੀ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਜ਼ਲਮ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਵੱਧ ਤਾਂ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡੈਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਰ?
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਮਤ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡੈਡੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋਲਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਪਿਓ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਨਾ ਬਣਾ। ਸਲਮਾ ਸਲਮਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁਸ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਤੇਰੇ ਅਥਰੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਖੜਕਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਗਲਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੈਸਾ ਕਰੋਗੇ ਵੈਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਮੁਜਰਿਮ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਸੌਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਹੰਝਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਇਸ ਮੁਜਰਿਮ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੋਲ ਧੀਏ ਬੋਲ। ਜਿੰਦੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਨੀ ਮੰਮੀ, ਜਰਾ ਪੀਸ ਕਰ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ। ਸੁਣ ਮਾਮੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਸਲਮਾ। ਜੀ ਮੰਮੀ। ਆਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੰਮੀ? ਮਾਰੀ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਡੈਡੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਲਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸਲਾਮ। ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਲਾਵਰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਜਮਾ ਸੇਠ ਨਾਦਰ ਅਲੀ ਦੀ ਨਵਾਸੀ ਹੈ। ਸੇਠ ਨਾਦਰ ਅਲੀ ਦੀ ਨਵਾਸੀ? ਉਹ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਜਾਹਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਵਜਾਹ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਵਾਰਾ ਗਰਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਪੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਨਾ ਬਾਬਾ। ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੌਣ? ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨੂੰ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ?
कश्मीर लकड़ा ले पुल तो पानी चढ़ गया सी। मम्मी की होया? कुछ नहीं सलमा, मैं उस आदमी से मिलना चाहनी हूँ, मैंने उसे को ले चल। बाबा जी मेरी मम्मी तेरे नाल मिलना सट लगन की वजह तू अपनी पूरी पिछली जिंदगी भुल चुका है। वो दिन जाए तो अज का है, तू कख नहीं दसिया कि तू कौन है, कितों आया कि छड़ इन्हां डूंगियां सोचां नूं जिहड़ियां दुखां दे सिवा कुछ नहीं दिंदियां। तू अज तक मेरे नाल शहर कदे नहीं गया, ते मैं कल ठेकेदार साहब नूं हिसाब देण जाणा, तू मेरे नाल शहर चलना। ओ पागल दे पुत्तर, ओही सेठ जी दी धी दा कल ब्याह है। ओए तेरू भाई, गल सुणै मुंडिया, हो जाओ मियां। अल्लाह ताला नूं हाजर नाजर जान के कहो कि जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा, सच तो इलावा कोई बकवास नहीं करांगा। की गल है, तुम मैं कतल का गवाह समझ लिया? गल मुझे भी कतल दी नहीं, इज्जत आबूजा, क्योंकि इज्जत जान से भी प्यारा हुआ तेरा। की मतलब? वो मतलब ये इन्हीं ऐसे धोखे तो तीन चार दफा तौड़ी खा बैठे हैं, कि इसे वास्ते तेरे को पूछन डाया भाई, इन्होंने बत्तियां ब्याह वास्ते लाइया या सानू कुटन वास्ते धोखा दिता? हाँ हाँ ब्याह है भाई। भाई ये कैसा खुशक ब्याह है, न डोल न मक्का न घुंगरू न मुजरा, सब इंतजाम है। करे जेड़ा इत्तेफाक करे जेड़ा।
मामा की मां नजमा ने। ये नजमा नहीं साबरा है, इन्हें ना बदल के अपने गुनाह छुपाने की कोशिश की थी। मतलब ये के सलमा की मां है, जान टोलियों बगैर वापस जाएगी। डैडी, यह शादी ताड़ी नहीं, मेरी शादी है, जान जरूर जाएगी। तू चुप कर रहा है। मैं एहो जी कुड़ी नूं अपनी नूं नहीं बना सकता, जिहड़ी साबरा दे महरूम शाह दी नहीं, उहदे तेवर दी निशानी है। सलाबरा, ये इल्जाम तू साबरा ते नहीं लाया, पर इह नसल दे विच मेरे मुंह ते चपेड़ मारी गई, तैनूं इस इल्जाम दा सबूत देना पएगा। सबूत? इहदा सबूत भी एहो ही देगी बेगम साहब। तैनूं पुछो किहदा ओह खामन जिहड़ा सुहाग रात दी खुशियां वेखण तों पहलां ही मर गया सी। तेरी डोली इहदे सहुरिआं दे घर इक जनाजा बन के आई, उन्हां ने इहनूं मनूस समझ के पेके जान ते मजबूर कर दिता। इहनूं पुछो कि खामन दे मरण दे बाद इह अपने मां प्यो दे घर क्यों नहीं गई। तू कोई जवाब नहीं दिता? इहदा जवाब इह नहीं दे सकती बेगम साहब, इहदा जवाब मैं देवांगा। इह घर इस वास्ते नहीं सी गई कि खामन दे मरण दे नाल जिहड़ा ख्वाब पूरा रह गया सी, वो अपने देवर नाल मिल के पूरा करना चाहती सी। जदों गल आम हो गई, एको घर दे रहन वाला कुंवारा देवर ते परजाई बच्चे दे मां प्यो बनन वाले ने, ते उसे खानदान ने बदनामी ते डाकू नूं करो कर दिता, ते हुण ने गुलाम दी तस्वीर बन के साडे सामने खड़ो। क्यों साबरा, ये सच है? जवाब दे साबरा, जे तू इसे तरह खामोश खड़ी रही तो फिर मैंने भी यकीन करना पड़ेगा। तेरे से लग्या हुआ इल्जाम इल्जाम नहीं, हकीकत है। ये हकीकत नहीं, झूठ है। तुसी सानू छड़ के कित्थे चले गए सो? तुसी ये शैतान फितर ते इंसान दे आखे लाके मेरी फरिश्ता सीरत पापी ते सवाल ते कर दिता है, पर इस कमीने को भी पुछो ये आप सारी यादी की करता रहा? इन्हें की जवाब देना मेरे को पुछो। ये इंसान दे रूप चो वैसी दरिंदा है जिहड़ा सारी यादी बेबस ते मजलूमा दी इज्जत लुटता रहा। ऐस प्रूफिया को पुछो, तू कई शराफत ढोंग च आगे से खलोता है। तू कौन है मुंडिया? ये मेरे को पुछो, ये वो देवर से पत्याई ने जिना दे गुनावां दा नतीजा अज तुसी मेरे पुत्र नाल टोरन लगे। जो पुलिस कबीला, मैं तो चुप हो ही जावांगा, पर किन्नू किन्नू चुप कराएंगा? जान मले वालियां नूं चुप करा जिन्हां दी जबान ते अज भी साडे गुनावां दे चर्चे ने, जान अपराधियां नूं चुप करा जड़े तेरी भैन दी डोली छड़ के चले गए सन। ओए ओ डोली छड़ के ते चले गए सन, पर अज जे डोली छड़ के जाण वालियां दी इथों ना सही जाण गईआं। तू चुप कर रे मुंडिया, मैं तेरे कोल पुछनियां कुड़िए जिन्हें इल्जाम तेरे च लगे, क्या तू उन्हां तों इनकार कर सकनी है? जे मैं इनकार भी करा ते मेरी गल ते कौन यकीन करेगा? इसलिए कि मियां बीवी दे रिश्ते दा गवाह सिर्फ खुदा हुंदा है, इस पत्थर दिल इंसान ने यह सोच के मेरे ते इल्जाम लाए कि मेरी बेगुनाही दा सबूत ते नहीं, खुदा खुद ते नहीं तेरी आ सकता, खुदा खुद ते नहीं तेरी आ सकता। नशा चुके कर कर कमीनिया, खुदा मेरी बेगुनाही का सबूत देने खुद से जमीन से नहीं आ सकिया, पर उन्हें मेरे मिजाज के खुदा ने तेरा मुंह काला करने लिए जरूर भेज दिता है। सरताज, आज ताड़ी धी का ब्याह है ते ऐ दलील उहदी डोली रोक के खलोता है, ऐ ताड़े प्यार की निशानी ने मेरा गुनाह साबित कर रहा है। इहनूं कह दिओ कि सलमा ताड़ी धी है ते मैं ताड़ी बीवी हाँ। की कह रहे हो बेगम साहब, मेरी तो कोई बीवी नहीं। हजरात, बेगैरती की इंतहा है, ऐ औरत अपने गुनाह छुपाने लिए एक पागल आदमी नु अपना मिजाजी खुदा कह रही। सरताज, मैंने पहचाने में ताड़े साबरा वो। मैंने छोड़ दो, मैं किसी साबरा नु नहीं जानता। भाई जान, की हो गया तानू? तुसी भाभी होरां नु भी भूल गए हो, तू कौन है? मैं ताड़ा छोटा भरा असगर हाँ। असगर? केड़ा असगर? मैं किसी असगर नु नहीं जानता। मैंने पहचान तेरी मां, मैंने पहचान। क्यों नहीं मां? मेरी तो कोई मां नहीं, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं किसे नूं नहीं जानता, किसे नूं नहीं जानता। खुदा
दुश्मन रोके अच्छा पिछे छो इन गोली चला दियो साबरा भैन खुदा का वास्ता ही इन कह मैनु मार दे मैं जिंदा नहीं रहना चाहता मैं ताते दोनों के प्यार का मुजरिम था मैं मुजरिम हाँ मैनू मेरे जुर्म की सजा मिलनी चाहिए तू जिंदगी पहली बारी मैं भैन कह के आवाज मारती है तो कोई भैन अपनी अखां के सामने अपने भरा मरदिया नहीं देख सकती हूं तेरी सजा यह हुई है कि तेन माफ किया जाए लो भाई हूं तुम अपने मुंह बंद कर दो मुंह खोल दो बड़ा भूख लगे प्यास बुझा दे काफी चिर तरसाया